जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी यूट्यूब चैनल अनुप रॉय रॉय डिफेंस अकेडमी। आज हम आपको लाभ और हानि का दसवां पार्ट पढ़ाएंगे। सुबीर दास के किताब से लिया हुआ ये 10 क्वेश्चन है। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है जो कि सहज से कठिन की ओर है। हर प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा लेकिन धीरे से सहज से कठिन की ओर है। तो देखते हैं जो पहला क्वेश्चन में क्या है। एक आदमी को 800 रुपया में एक रेडियो खरीदी और उस पर मरम्मत बाबद 400 रुपया खर्च किए। यदि उस रेडियो में 1500 रुपया का बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या? क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक आदमी ने 800 रुपया में एक रेडियो खरीदी और उस पर मरम्मत किया है 400 रुपया का, यानी कि उसका जो टोटल खर्च पड़ गया 800 और 400 1200 रुपया टोटल खर्च पड़ गया। आगे बोला है उस रेडियो को 1500 रुपया में बेच दिया तो क्रॉस प्राइस होता है और सेलिंग प्राइस होता है। इसने क्या किया, रेडियो को खरीदा 800 रुपये में और उस पर मरम्मत बाबद 400 रुपये और लगाया, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस बढ़ गया 1200 रुपये और उसको बेचा कितना में, 1500 रुपये। यानी कि कोई भी चीज अगर हम 1200 रुपये में बेचते हैं, खरीदते हैं और 1500 में बेचते हैं तो 300 रुपये का लाभ होता है। इसको से इसको माइनस करेंगे 300 रुपये। और लाभ और हानि जो है क्रॉस प्राइस के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो पूछा गया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमने इसको लाभ प्रतिशत निकालने के लिए जितना लाभ हुआ उसको लिखेंगे ऊपर और नीचे लिखेंगे उसका कॉस्ट प्राइस। प्रतिशत के लिए हम 100 लिखेंगे, ये दोनों जीरो, ये दोनों जीरो काट देंगे, इसके साथ इसको काट देंगे 3 4 12, 4 के साथ 100 काट देंगे तो होगा 25, यानी कि 25% इसका लाभ। ऑप्शन सी इसका आंसर। अगले क्वेश्चन में दे रखा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 7840 रुपया है। यदि वस्तु को 7% लाभ पर विक्रय करे तो क्रय मूल्य क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में जो क्रय मूल्य होता है हमेशा 100% होता है। तो क्रय मूल्य का वैल्यू बोल दिया, यानी कि 7840 जो है 100% का वैल्यू। पूछा गया 7% लाभ, 7% लाभ मतलब 107, 10% लाभ 110, 20% लाभ 120, जो भी होगा, और लॉस होगा तो उसको 100 से माइनस हो जाएगा। यानी कि अगर 20% लॉस होगा तो क्या होगा, 80 रुपया होगा। यानी कि पूछा गया ये 7% लाभ 107 रुपया, तो जब हम इस रुपया को ऊपर लिखेंगे नीचे 100 का मान लिखेंगे तो हमें 1% का मान लिखेगा, 1% का वैल्यू लिखेगा, तो हम इसको 100 107% का वैल्यू निकालेंगे। तो यानी कि इसका विक्रय मूल्य का जो मान है ये जीरो जीरो काट देंगे तो इसके साथ इसको गुणा करने से होगा 8 8 के साथ हो जाए 8 3 8 8 8, ये हो जाएगा 8, नीचे 10 होगा तो ऊपर से होगा 8 3 8 8.80, ये रुपया इसका आंसर होगा 8388, जो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट में देखिए, 270 रुपये में एक वस्तु बेचकर 12.5% लाभ कमाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में दे रखा है जे ये 270 रुपये में बेचकर 12% 12.5% लाभ कमाए, 12.5% का मतलब होता है 112 रुपया 50 पैसे। हम इसको क्या करेंगे, 12.5% लाभ, तो इसका मतलब 12.5 का मतलब होता है 1 2.5 बटा 100, प्रतिशत मतलब बटा 100। आगे हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को उठा के नीचे जीरो कर देंगे और 125 के साथ 100 काटेगा, 1 और 8 भी 125 को अगर 8 बार गुना करेंगे तो ये 1000 हो जाता है। जब लाभ होगा तो हमने क्या करना है, इसके साथ जोड़ देंगे, यानी कि नीचे 8 होगा ऊपर ना हो, ये 9 होता है इसका सेलिंग प्राइस, 8 होता है इसका कॉस्ट प्राइस। 8 नीचे वाला हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, ऊपर जो होता है इसका प्रॉफिट होता है लाभ। आज जब क्रॉय मूल्य के साथ प्रॉफिट जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ये जो 12.5% दे रखा है, 12.5% लाभ का मतलब होता है उन्होंने 9 रुपया में बेचा है, 8 रुपये में खरीदा है। तो 9 का जो वैल्यू है यहाँ पर क्या है, 270 रुपये। 9 का जो वैल्यू है उन पर 9 का वैल्यू कितना, 270 रुपये।
तो एक का वैल्यू कितना है, इसके साथ इसका वैल्यू 3 × 9 = 30 रुपए। आठ का वैल्यू क्या है, आठ का मान होगा 30 × 8, 3 × 8 = 24, 240 रुपए। यानी कि 240 रुपए में खरीदा और 270 रुपए में बेचा, तभी उस व्यक्ति को 12.5% का लाभ हुआ। ऑप्शन ए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा, एक साइकिल में, साइकिल 1400 रुपए में खरीद कर उसने कितने में बेचे ताकि व्यक्ति को 15% का हानि हो, 15% लॉस, 15% हानि, यानी कि 85% पूछा, जबकि 100% का रेट है 1400 रुपए। तो हमने क्या करना है, इसको जो कॉस्ट प्राइस के ऊपर, कॉस्ट प्राइस है 1400 रुपया, कितने में बेचे, तो इसका सेलिंग प्राइस निकल 1400 रुपया का 85%, 85/100, कॉस्ट प्राइस कितना 1400 रुपया, 1400 रुपया का 85% निकालने के तो इसको मिल जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। ये जीरो काट दिया, इसके साथ काट दिया, तो 85 को अगर 14 से गुना करेंगे, 4 × 5 = 2, 4 × 4 = 32, और 5 × 37, 37 × 39 = 3, 8 × 8 = 3, 1190। यानी कि ऑप्शन सी इसका। अगले में दे रखा है, एक व्यक्ति 178 रुपए में एक पेन बेचकर 11% के हानि हुआ, तो को कितने में बेचा जाए ताकि 11% का लाभ हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, जब 11% लाभ होगा तो उसका वैल्यू हो जाता है 111%, और 11% का जो लॉस हो जाएगा तो इसको माइनस हो जाएगा, यानी कि 89%। क्वेश्चन में क्या बोला है, जो 178 रुपए में पेन बेचकर 11% का हानि हुआ, यानी कि 89% का जो वैल्यू है वो है कितना है, 178 रुपए। आपको पूछा क्या, 11% लाभ पे बेचा जाए, यानी कि 111% का वैल्यू है, तो 1% का जो वैल्यू है वो 178, तो 178/89, और 111% का जो वैल्यू है हमने क्या करना है, 178/89 × 111, इसका वैल्यू निकालेंगे। इसके साथ इसको काटेंगे तो 2 से काटेगा, ये हो जाएगा 222, 222 रुपए इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका आंसर। नेक्स्ट, सेम उसी प्रकार का एक क्वेश्चन और दे रखा है, एक व्यक्ति ने 330 रुपए में किताब बेचकर 10% का लाभ हुआ, वस्तु को कितने में बेचे ताकि 15% का लाभ हो। यानी कि 10% का लाभ पे बेचा तो 330 रुपए, 10% का लाभ जो होता है यानी कि 110, 110% का जो वैल्यू है वो दे रखा है 330, और उसको बेचना कितना में, 15% लाभ, 15% लाभ मतलब 115, 1% में बेचेगा तो 330/110, और जब उसको बेचेगा 15% मतलब 115%, 115% का वैल्यू पूछा, 115% का वैल्यू हम डायरेक्ट 115 से गुणा कर देंगे, इसके साथ इसको काटेंगे, इसके साथ इसको काटेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15, 5 × 7 = 3, 3 × 3 = 3, 4 × 3 = 3, 345 रुपये, 115% का जो वैल्यू है वो है 315, ये इसका आंसर है, 45 रुपये, ऑप्शन सी इसका आंसर।